Good morning, student. Welcome back to our Maths Online class. I hope you all are well. In our previous class, we learned many topics, but today I am starting our new chapter, chapter number 1, number system. And the topics is forward counting and backward counting. And the first topic is forward counting. Forward counting ka means kya hota hai sabse first? तो फॉरवर्ड काउंटिंग का मीन्स होता है कोई भी ऐसी काउंटिंग जिसमें हम उसका आगे वाला नेक्स्ट नंबर लिखते हैं. नेक्स्ट जो भी हम उस नंबर वाली जो काउंटिंग हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग. जो नॉर्मली हम जैसे 1 to 100 आपने फर्स्ट क्लास में भी सीखी होगी, है ना, तो वो क्या होती है जिसमें आप नेक्स्ट नंबर यूज़ करते हो. जैसे 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 100 के बाद क्या आता है, 101 आता है. तो नेक्स्ट नंबर जिसमें भी हम राइट डाउन करते हैं वो क्या होती है, कौन सी काउंटिंग होती है, वो फॉरवर्ड काउंटिंग. तो फॉरवर्ड का मीन्स होता है आगे वाला नेक्स्ट नंबर जिसमें हम यूज़ करते हैं वो होता है फॉरवर्ड, और उसी को हम काउंटिंग के थ्रू जो लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग. अब आपको ऑल द स्टूडेंट्स आर नो हाउ टू राइट 1 to 100 काउंटिंग, बट द मेन प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी राइट अप टू 1000. यानी काउंटिंग 1000 तक हमें कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो सोचते हैं ओ माय गॉड 1000 तो बहुत बड़ा नंबर है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे. बट इट्स वेरी इजी, डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेनी, बहुत इजी है. आपको 1 to 100 काउंटिंग आती है तो उसी से आपको आगे अप टू 1000 काउंटिंग भी लिख सकते हैं. तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे 301 से. तो 301 आपको मेक श्योर ध्यान रखना है हमेशा, आपको ध्यान क्या रखना है, जो भी 100 वाली काउंटिंग होती है यानी अप टू 100, जो भी मतलब 100 से ज़्यादा जो भी काउंटिंग होती है उसमें हम कौन से कितने डिजिट्स का यूज़ करते हैं, हम उसमें 3 डिजिट्स का यूज़ करते हैं. अगर आपने मान लो 0 का यूज़ नहीं किया, 301 के बाद वाली आपको काउंटिंग लिखनी है और आपने 0 का यूज़ नहीं किया, जैसे आपने 0 नहीं लिखा, तो ये तो 3131 हो जाएगा. ओके, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ये क्या होती है, वंस प्लेस में होता है, यहाँ पे वंस ये टेंस होता है, ये 100 होता है. तो हमेशा जो भी 100 वाली जो काउंटिंग्स होती है उसमें कितने डिजिट्स होते हैं, 3 डिजिट्स होते हैं. अब इनमें सब में देखो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 सब में आपको नज़र आ रहा है 3 डिजिट्स हैं. ओके, तो हमें स्टार्ट करनी है 301 से. तो हमें सबसे फर्स्ट 301 लिखा हुआ है. 301 फॉरवर्ड काउंटिंग में हमें क्या लिखना, इसके आगे वाला नेक्स्ट नंबर लिखना है. तो 301 के आगे वाला नंबर, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 301 के बाद क्या आएगा, तो आपको ये नहीं देखना आगे वाला सब में नंबर 3 क्योंकि हम 300 वाली काउंटिंग लिख रहे हैं ना, तो आगे वाला सब में नंबर सेम रहेगा. 300 वाली काउंटिंग लिखेंगे तो 3 आएगा, 400 वाली काउंटिंग लिखेंगे तो उसका स्टार्टिंग नंबर 4 आएगा, ऐसे ही 700 वाली काउंटिंग लिखेंगे तो उसका स्टार्टिंग नंबर क्या होगा, 7 होगा. ठीक है, और पीछे वाले जो भी 2 नंबर्स होंगे वो एग्जैक्ट वैसे ही होंगे. तो 301 मीन्स 301, 302 मीन्स 302, 303 मीन्स 303. तो जब तक 309 तक हम लोग यहाँ पे 0 का यूज़ करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 310, 310 कैसे लिखोगे, 3 लिखोगे, उसके बाद आपको 10 जैसे लिखते हैं वैसे लिखोगे. ठीक है, बस आपको आगे का नंबर जितना भी आपको काउंटिंग में लिखना है वो आप उसको चेंज करना है आपको, बाकी तो काउंटिंग आपकी सेम एज इट इज़ वही है. तो फॉरवर्ड काउंटिंग में क्या होगा, जैसे अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, ओनली आपको सिर्फ राइट डाउन करा हुआ है 301 और आपको कहा गया है राइट डाउन द फॉरवर्ड काउंटिंग 301 to 350, तो आपको नेक्स्ट नंबर लिखना है. नेक्स्ट नंबर मतलब आगे की काउंटिंग लिखनी है, 301 के बाद क्या आता है, 302 के बाद क्या आता है, तो सबके आगे आगे वाला नंबर, नेक्स्ट नंबर आपको राइट डाउन करना है और बहुत ईजीली आप लोग इसको लिख पाओगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड टॉपिक है बैकवर्ड काउंटिंग. अब बैकवर्ड काउंटिंग का मीन्स क्या होता है, बैकवर्ड काउंटिंग मीन्स होता है बिफोर नंबर, यानी उसका प्रीवियस नंबर लिखना. कोई भी ऐसे नंबर होता है, जैसे आपने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि 9 से बिफोर नंबर क्या होता है, 9 से बिफोर क्या होता है, 8 होता है, 8 से बिफोर नंबर्स क्या होता है, 7 होता है. तो ऐसे ही बिफोर नंबर्स के जैसे ही हमें क्या करना है, बैकवर्ड काउंटिंग को करना है. ओके, तो कितना भी बड़ा नंबर आ जाए उसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको उसका आगे वाला नंबर लिखना, आगे मतलब पीछे वाला नंबर लिखना होता है आपको. ठीक है, फॉरवर्ड काउंटिंग में उसका आगे वाला यानी नेक्स्ट नंबर लिखना होता है, किसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा. और बैकवर्ड काउंटिंग में क्या लिखना होता है, इसका कोई भी डिजिट जिसमें आपको कहा गया है कि आपको उस वहाँ से, जैसे सपोज 100 की आपको बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है 100 to 50, तो आपको 100
से 50 के बीच में अगर बैकवर्ड काउंटिंग एक नहीं है 100 to 50, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे स्टार्टिंग में 100 से बैकवर्ड में क्या करेंगे, बैकवर्ड मतलब पीछे की साइड आना है, तो 100 से पहले वाला नंबर, 100 से पहले कौन सा नंबर आता है? 99. 100 से पहले बिफोर नंबर कौन सा आएगा? 99. अब इससे भी पहले वाला नंबर देखना है आपको कि 99 से बिफोर नंबर कौन सा आएगा? 98. फिर 98 से भी बिफोर नंबर कौन सा आएगा? उससे भी पहले कौन सा नंबर आता है? 97. फिर 97 से भी पहले कौन सा नंबर आता है? 96. और 96 से भी पहले नंबर कौन सा आता है? 95. तो बैकवर्ड काउंटिंग इस तरीके से राइट डाउन करते हैं. ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं 310 से बैकवर्ड काउंटिंग राइट डाउन करना. तो सबसे फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है 310. 310 कैसे रीड आउट करेंगे इसको? 3 का मतलब 3 डिजिट्स है. सबसे फर्स्ट तो हमें 1 stands 100, तो हमने कैसे रीड करेंगे इसको? 300. यहाँ पे 100 आ रहा है ना, दिस इज़ अ वंस प्लेस, दिस इज stands प्लेस एंड दिस इज 100 प्लेस. ओके, तो 3 इज़ अ 100 प्लेस. 300, और इसको कैसे रीड करता है? 2 डिजिट को एक साथ रीड करना है, 10. 310. अब 310 से आगे नेक्स्ट नंबर नहीं लिखना है. नेक्स्ट नंबर लिखोगे तो फॉरवर्ड काउंटिंग हो जाएगी. हमें क्या लिखना है? उसके पहले वाला नंबर, कि 310 से पहले कौन सा नंबर आता है. तो 310 से पहले आता है आपको, चलो ठीक है, आपको ये नहीं समझ आ रहा, 10 से पहले देख लो. आपको 10 से पहले कौन सा नंबर आता है? बिफोर 9 आता है, तो आपको 0 भी लगाना है. अगर आपने ओनली ऐसे लिख दिया 39, तो 39 तो 39 हो जाएगा. 309 लिखना है ना, 300 पहले से बिफोर नंबर, 309 लिखना है, तो 309. ओके, 309. अब 309 से बिफोर नंबर पहले कौन सा नंबर आता है? 308. 9 से पहले कौन सा नंबर आता है? 8 आता है, तो 308 हो जाएगा. नेक्स्ट 308 से बिफोर नंबर कौन सा आता है? 307. तो 307 मीन्स 307. ऐसे हमें सारे में क्या करना है, आपको बैकवर्ड काउंटिंग में बिफोर नंबर का यूज़ करना है. और इसमें आपको कौन सा नंबर लिखना होता है? आफ्टर नंबर. इसमें प्रीवियस नंबर लिखना होता है बैकवर्ड काउंटिंग में, और इसमें कौन सा नंबर लिखना होता है? नेक्स्ट नंबर. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. सो ईच स्टूडेंट प्रैक्टिस दिस टॉपिक. थैंक यू.